आज हम पढ़ने वाले हैं आ की मात्रा। क्या पढ़ने वाले हैं हम? आ की मात्रा। आपको पता है जब हम आ की मात्रा पढ़ते हैं तो जो ये हमारा जो मुंह है वो आ, वो ऐसा खुला हुआ होना चाहिए, आ की मात्रा। ओके, आ की मात्रा। जो हमारा अ से अनार होता है, अ से अनार की कोई मात्रा नहीं होती है। अ से अनार अगर हम उसमें आ की मात्रा लगाते हैं तो क्या बनेगा? आ। उस तरह से देखिए, हमने यहाँ पर क से लेके श तक क्या लिखा है? व्यंजन। क्या लिखा है? व्यंजन। उसमें देखिए हम आ की मात्रा लगाते हैं तो उसका उसकी जो आवाज होगी वो सब बदल जाएगी। जैसे क में आ की मात्रा का, ख में आ की मात्रा खा, ग में आ की मात्रा गा, घ में आ की मात्रा घा, च में आ की मात्रा चा, छ में आ की मात्रा छा, ज में आ की मात्रा जा, झ में आ की मात्रा झा, ट में आ की मात्रा टा, ठ में आ की मात्रा ठा, ड में आ की मात्रा डा, ढ में आ की मात्रा ढा, त में आ की मात्रा ता, थ में आ की मात्रा था, द में आ की मात्रा दा, ध में आ की मात्रा धा, न में आ की मात्रा ना, प में आ की मात्रा पा, फ में आ की मात्रा फा, ब में आ की मात्रा बा, भ में आ की मात्रा भा, म में आ की मात्रा मा, य में आ की मात्रा या, र में आ की मात्रा रा, ल में आ की मात्रा ला, व में आ की मात्रा वा, श में आ की मात्रा शा, श में आ की मात्रा शा, स में आ की मात्रा सा, ह में आ की मात्रा हा, श में आ की मात्रा शा, त्र में आ की मात्रा त्रा, ग्य में आ की मात्रा ग्या, श में आ की मात्रा श्रा। इसी तरह हम क्या पढ़ेंगे? आ की मात्रा।